वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम फिश बनाने वाले हैं। देखिए, मैंने फिश को थोड़ा सा नमक और लेमन डालकर अच्छे से वॉश कर लिया है। 3-4 बार मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और उसका सारा नीचे जो पानी बचा था उसको अलग कर लिया है और सिर्फ सारी फिश मैंने ऊपर निकाल ली है। ऐसे नमक डालकर हम इसलिए धोते हैं कि इसकी सारी स्मेल चली जाती है। पहले हम फिश को मैरिनेट कर लेंगे। एक बाउल में मैं 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल लूंगी। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। 1 चम्मच मैं मिर्च डालूंगी, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच डालेंगे। 1/2 चम्मच नमक डालूंगी। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल मैंने इसलिए डाला है इसमें कि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक एक फिश का टुकड़ा लेंगे और इसमें अच्छे से लपेटेंगे। ऐसे अच्छे से करेंगे तो इसमें मसाला अच्छे से लगेगा। एक को मैंने ऐसे कर लिया, फिर इसे एक प्लेट में ऐसे निकाल लूँगी। सारे पीसेस को ऐसे ही हम मसाले में कोट कर लेंगे तो अच्छे से सारे पीसेस को मसाला अच्छे से लगेगा। देखिए, ऐसे ही मैं सारे पीसेस को इस मसाले में कोट कर लूँगी। देखिए, सारे पीसेस को मैंने ऐसे ही मसाले में कोट कर लिया है। अब हम इसे 1 घंटा, आपके पास वक्त है तो 2 घंटे भी इसे मैरिनेट के लिए रख सकते हैं। तो हमारी फिश अब मैरिनेट हो चुकी है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है, उसे मीडियम गरम किया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया है। इसलिए मैंने ज़्यादा गरम नहीं किया है क्योंकि फिश डालेंगे तो उड़कर हमारे हाथों को लग सकता है। बिल्कुल कम गरम है ये। हम इसे डाल लेंगे, सारे पीसेस को हम डाल लेंगे। फ्लेम को मैंने लो ही रखा है। जितने इसमें आते हैं मैं उतने ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। बस अब इसे मैं थोड़ा सा 1 मिनट तक ढाँक लूंगी। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लूंगी। 1 मिनट हो चुका है, अब मैं लिड को निकाल लूंगी और लो फ्लेम पर इसे पकने दूंगी। ऐसे करेंगे तो हमारी फिश अच्छे से रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा इसे ऐसे इसका पोजीशन चेंज करूंगी, थोड़ा सा बस, वरना ये नीचे चिपक जाएगी। मैंने बहुत ऑयल नहीं डाला है, बिल्कुल थोड़ा डाला है। मैं इसे डीप फ्राई नहीं करूंगी, बस इतने में ही वो हो जाएगी। लो फ्लेम पर एक साइड वो अच्छे से हो जाए फिर मैं इसे पलटा लूंगी। देखिए, अब 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे पलटा लूँगी। ऐसे चम्मच की मदद से हम धीरे से पलटाएंगे और ऐसे करेंगे तो ऑयल हमारा ऊपर नहीं आएगा। जो छींटे उड़ जाते हैं वो नहीं उड़ेंगे। देखिए, सारे पीसेस को हम ऐसे ही पलटा लेंगे। देखिए, सारे पीसेस को मैंने पलटा लिया है। इस साइड भी अच्छे से हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अब टर्न कर मैं देख लूँगी इस साइड भी अच्छे से पकी है या नहीं। देखिए, इस साइड भी अच्छे से हो चुकी है। अब मैं इसे 1 प्लेट से निकाल लूँगी। सारे फिश के पीसेस को मैं ऐसे ही धीरे से निकाल लूँगी। बहुत सॉफ्ट होती है तो धीरे से निकालेंगे। और एक बैच भी हम ऐसे ही तल लेंगे। फ्लेम को लो कर लिया है मैंने और सारे पीसेस को डाल दूंगी। इसका पानी ना उड़े फिर से ढाँक लूंगी। बस सेम जो पहले किया था वैसे ही प्रोसीजर से मैं दूसरा बैच भी तल लूंगी। लीजिए, हमारी फिश फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत मज़ेदार बनी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।